छात्र छात्राओं की प्रतिभा को निखारने टीआरएस कॉलेज में हुआ सेमिनार का आयोजन। संभाग के सबसे बड़े कॉलेजों में से एक रीवा के टीआरएस कॉलेज में कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया। दो सत्रों में आधारित सेमिनार के प्रथम सत्र में छात्रों के शोध पत्र का प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रथम सत्र में चयनित शोध पत्रों को दूसरे सत्र में पुनः मौका दिया गया। सेमिनार आयोजन का उद्देश्य छात्रों की स्किल क्षमता को बढ़ाना रहा, जिसमें कॉलेज प्रबंधन पूर्णतः सफल रहा। सेमिनार के आयोजन को लेकर रीवा दर्शन ने सेमिनार आयोजक छिप्रा द्विवेदी से खास बातचीत की। ये मकसद है छात्रों के बीच में शोध की प्रक्रिया को बढ़ावा देना, शोध के प्रति रुझान, शोध के प्रति आकर्षण और शोध के महत्व को रेखांकित करना, और इसके माध्यम से बच्चा मेहनत करके लिखना, पढ़ लिख करके लिखना और एक खोज की वृत्ति का पैदा करना उसके अंदर। ये 7 वर्षों से सतत चल रही प्रक्रिया स्नातकोत्तर और एमफिल दोनों स्तरों पर होती है, और आज ये स्नातकोत्तर का है, ये 2 चरण में होता है। प्रथम चरण में विभागों में हुआ, जितने संकाय 5 संकाय हैं, हर संकाय के 5-5, 6-6 विभाग हैं, उन विभागों में सुबह से आयोजित हुआ। वहाँ से चयनित प्रथम छात्र यहाँ आता है और लगभग हर संकाय से 5-6 बच्चे हो जाते हैं, फिर उनका यहाँ प्रस्तुतिकरण होता है। यहाँ हमारा निर्णायक मंडल बैठता है और वो निर्णय लेता है, इनमें से जो बच्चा प्रथम आएगा उसे प्राचार्य द्वारा पुरस्कृत भी किया जाता है नगद राशि से। और ये प्रोत्साहन राशि हम लोग इसलिए देते हैं कि हर बच्चे के अंदर ये जज्बा हो कि क्यों ना अगली बार मैं, अगला चांस मुझे मिले और मैं प्रथम हूँ। तो बच्चे के अंदर लिखने पढ़ने की प्रक्रिया, एक बौद्धिक विकास, बौद्धिक क्षमता का विकास, बोलने के साथ साथ मंच का भय खत्म होता है, तो ये सारी चीज़ें होता है।